हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ हूँ। आज मैं आपको विदाउट अवन की, वो तो पता रहता है मेरा अवन विदाउट अवन की चीज रहते हैं, आटे के नान खटे बताने वाली हूँ। वेरी इजी सिंपल है एंड विदाउट बटर एंड घी की भी बताने वाली हूँ। तो किसी के पास नहीं हो, मेरे पास तो मैं बना लिए बोली थी ना आपको है, बट आज ऑयल से बनाने वाली हूँ। तो बाय चांस किसी के पास ना हो तो ये ऑयल है आधी कटोरी। फिर ये मैंने क्या किया है, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं शक्कर है ना, उसमें एक इलायची डाल के कूट लिया है, मतलब मिक्सर में ही कूट लिया है। मैं भी इतना रखती हूँ। तो ऑयल से बनाने वाली हूँ, किसी के पास घी बटर नहीं रहते तो ऑयल से भी नान खटे बहुत अच्छी बनती है। और मैं बोली आज मैदे का यूज नहीं करूँ, गेहूं के आटे से बनाऊ, सो इसके लिए ये हुआ। ये बेकिंग पाउडर कौन अवन, ये बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का यूज नहीं करता, बट मैं बोलती हूँ हमेशा बेकरी के आइटम में तो थोड़ा यूज करना चाहिए, मतलब अच्छा रिजल्ट आए उसके हिसाब से। एंड ये बेकिंग सोडा डाली और ये खाने का सोडा है, और बेकिंग पाउडर डाली एंड ये खाने का सोडा है। एंड इतना ही आप देख सकते हो, नमक है ज्यादा नहीं है, बस ये सब हो। अभी इसमें ये छोटी 2 चम्मच बेसन मीन्स चने का आटा, एक नान खटाई है, मेरे नान खटाई है मेरे चैनल पे, मैदे से मैंने बनाई है और आई थिंक कुकर में बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप चेक कर लेना। और ये गेहूं का आटा हमारा, अच्छे से पहले मिक्स कर लो। और इधर मैंने क्या किया है, जो हमारी कढ़ाई रहती है उसको पहले से प्री हीट करने को लिए रख दिया है, इसमें आप स्टैंड देख सकते हो, तो उसको करने के लिए रख दिया है। तो आप घी और बटर से भी ये रेसिपी बना सकते हो, रिजल्ट अच्छा जाएगा बस। और मैंने जो शक्कर पीसी थी तो फिर उसमें एक एक इलायची डाल दी थी ताकि अच्छे से हो जाए। अभी थोड़ा बाइंडिंग कम है, सो अभी ये स्टेज पे मैं क्या करती हूँ, 1-2 चम्मच ये दूध डालती हूँ, बहुत मत डालना। अगर आपको वापस ऑयल डालने का हो तो ऑयल भी डाल सकते हो, बट मैं दूध डालती हूँ। तो वेरी इजी सिंपल है नान खटाई, एक है मेरे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालने का हो तो उसके अलावा भी हो सकती है, बट मैं पर्सनली जो भी बेकरी के आइटम रहते हैं ना तो उसमें थोड़ा सोडा और बटर ऐड करती हूँ। अच्छे से इसका आटा कर लेना, अच्छे से आटा हो गया है। ये एक दिखा देती हूँ डिजाइन की है, सो आप अच्छा लगे तो आप करना, मतलब अच्छा लुक आता है नान खटाई का। नान खटाई भी बोल सकते हो, आटे के बिस्कुट भी बोल सकते हो, जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हो। सो पहले एक दिखा दो, फिर जल्दी फटाफट ये सब बना लेते हैं, फिर हम इसको बेक करते हैं। देखो ऐसा, ये जो फोक रहता है मीन्स काटा, उससे ऐसा एंड फिर ऐसा दोनों तरफ, मतलब ऐसी डिजाइन दिखती है क्या, फिर बेक होने के बाद लुक अच्छा आएगा। सो ये मेरी स्टील की प्लेट है, इस पे आपको अगर बटर पेपर लगाना हो तो लगा सकते हो। तो बटर पेपर मैंने नहीं लगाया, जस्ट ऑयल से ग्रीस किया है। सो ऐसे सब बना लेते हो, फिर डायरेक्ट हम बेक करते हैं। देख सकते हो मेरी नान खटाई सब बन गई है, अभी हम इसको बेक करने के लिए रखते हो। तो ये हटाते हो, आप भी पहले से आपकी जो भी कराए पतीला कुकर जो भी हो प्री हीट करने रख देना। सो रखते हो एंड 20 मिनट के लिए इसको बेचारे को अलविदा कर देते हैं। ऐसे डिजाइन आपको बनानी हो तो बना, बट लुक अच्छा आता है, नजदीक से देख सकते हो एंड थोड़ा दूर दूर रखना ताकि उसमें जो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर की वजह से वो अच्छे से बेचारी फूल सके। सो बताती हूँ आपको 15-20 मिनट के बाद। आप देख सकते हो मेरी नान खटाई हो गई है, मैंने गैस बंद कर दिया था तो ऐसे ठंडी हो गई है, हाथ लगा सकती हूँ। क्या एक बात बता दूं, वो मम्मी बोली थी आटा सेकुन तू थोड़ा
रख रखना, मतलब इतना सॉफ्ट मत करना, मतलब दूध की एक चम्मच डालना, मैं 2 चम्मच डाल दी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरी डिजाइन किसी किसी में दिखती है, किसी किसी में नहीं दिखती, सो वो टिप्स याद रखना, बिकॉज उसमें टेस्ट वाइज कुछ फर्क नहीं हुआ, जस्ट वो मेरी डिजाइन बेचारी चली गई। अभी तकरीबन रात के 10:30 बजे एंड मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये कंप्लीट ठंडा हो गई है कढ़ाई हमारी, बट जब बना रही थी तब अभी रात का खाना वो सब कुकिंग वो मेरी बाकी थी, तो फिर मैं बोली सब कंप्लीट कर लूँ, पता है आपको, फिर आपसे बातें करती हूँ, तो फिर मैं बोली पहले खा लूँ फिर बाद में सब करूँ। तो एक तो वैसे घर में सबको टेस्ट भी कराती है, 10 हुए थे आई थिंक, अभी 9 है बेचारी। तो विदाउट बटर है, विदाउट घी है, एंड मैदे का यूज नहीं किया, गेहूं का आटे का यूज किया है। सो उसकी वजह से आप हेल्दी नान खटाई भी इसको बोल सकते हो, आटे के बिस्कुट भी बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो, घर के का हमारे बाजार के है। और आटा एकदम थोड़ा कड़क गूंदना, मीन्स दूध की 1 चम्मच ही डालना, 2 चम्मच मत डालना मेरे जैसा, ताकि अगर आप डिजाइन करो तो इजीली दिखे, बहुत कम दिखती है, बट कलर वाइज लुक वाइज वेरी नाइस है। इजी सिंपल प्रोसेस से मैंने आपको नान खटाई दिखाया, मैंने देखा है वीडियो में, मेरे पास घी अवेलेबल था बट आज मैंने ऑयल से बनाया है। अगर किसी के पास घी और बटर ना हो तो भी वो नान खटाई बना सकता है। एक और मेरे चैनल पर कुकर में मैंने नान खटाई बनाई है, वो भी मेरे चैनल पे है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी बिना ओवन की है, सो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो, तो प्लीज कमेंट शेयर करना, लाइक करना, बिकॉज आप लाइक करते हो कमेंट करते हो तो हमको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, अच्छा कमेंट किए, सो उसकी वजह से। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ फुंडेरा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। अभी कैसी लगी रेसिपी याद से बताना जरूर। ओके बाय, लव इज एंड थैंक यू। और हाँ, पीछे का कलर भी देख दो, मतलब जली हुई नहीं है, मस्त कलर आया है, देख सकते, बिना हमारे पास बटर पेपर भी अवेलेबल नहीं था, सो वो सबके बिना मेरी ये रेसिपी है। तो आई होप सो यू ट्राई दिस।